हैदराबाद की हरी भरी पहाड़ियों के बीच स्थित नेशनल पुलिस एकेडमी, जहां देश के सभी आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। जिस एकेडमी में ट्रेनिंग होती है उस एकेडमी का नाम है SBPNPA, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। इस एकेडमी की स्थापना 15 सितंबर 1948 को हुई थी। यह एकेडमी लगभग 277 एकड़ में फैली हुई है। इस एकेडमी का नाम भारत के पहले गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। इस एकेडमी में विभिन्न तरह के क्लब्स, कॉम्प्लेक्सेस और बिल्डिंग्स हैं, जो इस एकेडमी को अलग और अनोखा बनाती हैं। यह इस एकेडमी का बेसिक कोर्स ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स है, जो कि आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसी कॉम्प्लेक्स में क्लासरूम्स हैं, जहां आईपीएस ऑफिसर्स की क्लास होती है। क्लासरूम पूरी तरह से हाई एंड ऑडियो सिस्टम से लैस है, जिस कारण कमरे के चारों ओर काफ़ी अच्छे से आवाज़ सुनाई देती है ऑफिसर्स को क्लास अटेंड करते वक्त। और यह है इस एकेडमी का शहरी शूटिंग रेंज, जिसमें ऑफिसर्स को ऑपरेशन लीड करने और वेपन से लैस होकर अपने टारगेट को पूरा करने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो कुशल रूप से एक पुलिस अधिकारी के रूप में अच्छी तरह से तैयार हो सकें। यह इस एकेडमी का ऑफिसर्स क्लब है। इस क्लब में एक बिलियर्ड्स टेबल और एक बार है। इस क्लब में ऑफिसर्स शाम को समय बिताना पसंद करते हैं। इस एकेडमी में एक ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल भी है, जो इस एकेडमी का गौरव है। इस स्विमिंग पूल में जकूजी और भाप स्नान की भी सुविधा है। ट्रेनिंग पूरी करने के लिए आईपीएस ऑफिसर को स्विमिंग टेस्ट भी पास करना अनिवार्य होता है। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस सबसे पहले और सबसे जल्दी देखने के लिए। तो दोस्तों, यह है इस एकेडमी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसका पूरा नाम है इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट और काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के कोर्ट्स हैं। और यह है इस एकेडमी का पीटी ग्राउंड। एकेडमी में 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक के साथ एक आधुनिक स्टेडियम भी है। इसके अलावा एकेडमी में फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट और लॉन टेनिस कोर्ट भी है। यह इस एकेडमी का ऑफिसर्स मेस है, जहां आईपीएस ऑफिसर से खाने पीने की व्यवस्था होती है। उन्हें काफ़ी बेहतर क्वालिटी और हाइजीन के साथ खाना परोसा जाता है। इसके अलावा एकेडमी के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स और मेंबर्स के लिए एक अलग मेस है। इस मेस का नाम है सीनियर ऑफिसर्स मेस। और यह है इस एकेडमी का गेस्ट हाउस। एकेडमी में एक मॉडल पुलिस स्टेशन भी है, जहां आईपीएस ऑफिसर्स को एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने, केस डायरी लिखने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा मॉडल पुलिस स्टेशन में आईपीएस ऑफिसर्स को एसएचओ और राइटर कांस्टेबल के रूप में काम करने और समन और वारंट इशू करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। एकेडमी में एक लाइब्रेरी भी है, जो कि पूरे देश में पुलिस विषय पर सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी में से एक है। इस लाइब्रेरी में 1,00,000 से अधिक पुस्तकें हैं। लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर एक फोटो गैलरी भी है, जिसमें 1948 से लेकर अब तक के सभी बैच के ऑफिसर्स की तस्वीर है, जो यहाँ से पास आउट होते हैं। और यह है इस एकेडमी का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। एकेडमी के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और सभी सीनियर फैकल्टी मेंबर्स इसी बिल्डिंग में बैठते हैं। और दोस्तों, यह है इस एकेडमी का परेड ग्राउंड, जिसमें 26 जनवरी, 15 अगस्त और अन्य विशेष अवसरों पर कार्यक्रम होते हैं। यह एकेडमी का ऐसा स्थान है जहां आईपीएस ऑफिसर्स की पासिंग आउट परेड होती है, और इसी परेड ग्राउंड में ऑफिसर्स ट्रेनिंग पूरी करने के बाद देश सेवा की शपथ लेते हैं। और यह इस एकेडमी का एलुमनी कॉलम है। इस एकेडमी से जितने भी आईपीएस ऑफिसर्स पास आउट होते हैं, उन सभी के नाम और पास आउट ईयर इस एलुमनी कॉलम में दर्ज हैं।
यह है इस एकेडमी का एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम। एकेडमी में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इस ऑडिटोरियम का उपयोग किया जाता है। यह इस एकेडमी का स्टोर कॉम्प्लेक्स है। एकेडमी में कपड़े, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर उपकरण जैसे अन्य वस्तुओं की जरूरत पड़ने पर आईपीएस ऑफिसर्स इस स्टोर कॉम्प्लेक्स से किसी भी सामान को ले सकते हैं। और यह है एकेडमी का बैंड स्टाफ हाउस। इस हाउस में बैंड उपकरण होते हैं। यह इस एकेडमी का सुरक्षा प्लाजा है। एकेडमी के स्टाफ और ऑफिसर्स की आवश्यकताओं को यह पूरा करता है। इस प्लाजा में ग्रोसरी आइटम्स, स्टेशनरी आइटम्स भी होते हैं। इसके अलावा इसमें बैंक और एटीएम की भी सुविधा होती है। एकेडमी में एक 23 बेड का हॉस्पिटल भी है, जिसमें ऑफिसर्स और स्टाफ्स के लिए फिजियोथेरेपी की व्यवस्था है। इसके अलावा इस हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब और एक बायोकेमिकल लैब भी है। और यह है एकेडमी का ध्यान केंद्र। इस केंद्र का उपयोग एरोबिक्स एवं योग करने के लिए किया जाता है। और यह है शहीद स्तंभ। इस स्तंभ में उन आईपीएस ऑफिसर्स के नाम अंकित हैं जिन्होंने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगली वीडियो आईपीएस ट्रेनिंग से रिलेटेड होगी और आप उसे तभी देख पाएंगे जब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।